कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा बुधवार से यातायात के नियमों का उल्लंघन कर वाहन चला रहे वाहन चालकों के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। अभियान के पूर्व ट्रैफिक पुलिस के निरीक्षकों, उप निरीक्षकों, सहायक उप निरीक्षकों, प्रधान आरक्षकों की बैठक ली गई है। बैठक में सभी आवश्यक दिशा निर्देश अभियान को लेकर दिए गए हैं। पुलिस द्वारा अभियान पूरे दुर्ग जिले में चलाया जाएगा और नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के महाअभियान को लेकर ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने ग्रैंड एशियन न्यूज से बातचीत की। आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कल वरिष्ठ जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव और कलेक्टर सर द्वारा एक बैठक ली गई थी यातायात पुलिस की, जिसमें पुलिस विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पुलिस द्वारा बुधवार से एक अभियान की शुरुआत की जा रही, जो यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं, शहर में बेतरतीब से वाहनों को पार्क करते, उनको लेकर के इस संदर्भ में आज नेहरू नगर ट्रैफिक ऑफिस में ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर द्वारा एक बैठक ली गई है यातायात के समस्त स्टाफ की, जिसमें भी कार्य योजना तैयार की गई है या किस तरह की कार्य योजना है, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, वाहन चालकों को किस तरह की समझाइश दी जाएगी, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले सवाल ये, क्योंकि अभी कलेक्टर महोदय द्वारा और पुलिस अधीक्षक द्वारा एक बैठक ली गई है, किस तरह की सर अभी कार्य योजना यातायात पुलिस द्वारा तैयार की जा रही है नियमों का उल्लंघन करते वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं जिलाधीश महोदय द्वारा कल बैठक ली गई थी, जिसमें सभी को निर्देशित किया गया है कि जो लगातार ऐसे दुर्घटनाजनक क्षेत्र हैं जहां पे दुर्घटनाएं होती हैं और ज़्यादातर दुर्घटना का समय शाम को 6 बजे से 9 बजे तक रहता है, उन चिन्हांकित दुर्घटनाजनक क्षेत्रों में वो सीट बेल्ट पर, बिना हेलमेट पर शराब पी के वाहन चलाते हैं, 3 सवारी है और नाबालिग है, इन 5 धाराओं में इसमें कार्रवाई भी करना है, लोगों को समझाइश भी देना है कि वहाँ एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं और लापरवाही के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो सभी आज जितने हमारे यातायात के प्रभारी हैं, सभी को निर्देशित किया गया है कि उन सभी क्षेत्रों का निरीक्षण कर लें, जहाँ जहाँ लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं चिन्हांकित कर लें, वहाँ पर ट्रैफिक पॉइंट भी लगाएं और वहाँ पर लोगों को जागरूक भी करें और वहाँ पर दुर्घटना ना हो भविष्य में, वहाँ पर क्या सुधार किया जा सकता है, चाहे इंजीनियरिंग सुधार हो, चाहे लोगों को जागरूक करना हो और इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करना हो, वो सभी बातें आज इनको बताई गई है और आज हम लोग जागरूक करेंगे उन सभी क्षेत्रों में, जैसे महमरा क्षेत्र हो गया, धमदा रोड हो गया, पोटिया हो गया, यहाँ सिरसा गेट है, नंदिनी रोड है, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे शाम के समय ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो हमको हमने लोग चिन्हांकित किया है और सभी हमारे यातायात के जवानों को भी बताया है और वहाँ पे हम लोग आज जागरूक करेंगे और कल से कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सर लगातार देखा जाता है कि यातायात पुलिस द्वारा तमाम सड़क के प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस की तैनाती रहती है, साथ में अधीनस्थ कर्मचारी भी रहते हैं, उसके बावजूद भी लगातार दुर्घटनाएं, सर लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, ट्रैफिक पुलिस को ही डॉस दे करके निकल जाते हैं सर वाहन चालक। निश्चित रूप से लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोग जो नियम बनाए गए हैं, चाहे वो यदि हेलमेट दोपहिया चला रहे तो हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, शराब पी के वहाँ ना चलाएं, 3 सवारी ना चलें, तो यदि लोग नियम का पालन करेंगे और खुद भी सुरक्षित रहेंगे, सामने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित रहेगा, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा, तो जो दुर्घटनाएं होती हैं लापरवाही के कारण, उन दुर्घटना को हम सभी मिलकर कम कर सकते हैं। सर, चूंकि आपने कहा कि अभी जो यातायात के नियमों का पालन कारण यातायात पुलिस द्वारा जद्दोजहद की जा रही है, इसके पूर्व सभी की जा रही है सर, लेकिन अभी भी देखा जाता है कि 70% दोपहिया चालक सर बिना हेलमेट के नज़र आते हैं, 3 दोपहिया में 3 सवारी आमतौर पर देखी जाती है सर। हाँ, निश्चित रूप से जो दोपहिया वाहन में 3 सवारी चलना और बिना हेलमेट लगाना, लोग जब निकलते हैं, जिस प्रकार हम अपने मोबाइल की सुरक्षा में ध्यान रखते हैं, उसमें कवर लगाते हैं, तो लोगों को भी चाहिए कि हम अपने सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूर लगाएं। और हम लोग लगातार हर जगह जाते हैं, चाहे चौक चौराहों में हो, चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, चाहे स्कूलों में जाते हो, लगातार जागरूक कर रहे हैं और पिछले लंबे समय से जागरूक भी करते आ रहे हैं, और इसका लोगों को फायदा भी होता है कि यदि व्यक्ति हेलमेट लगाता है, यदि एक्सीडेंट का शिकार होता है, तो वो बचता भी है हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाता है तो दुर्घटना से बचाव है, तो सुरक्षा ही बचाव है, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप जागरूक होना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस बताया ये नहीं होना चाहिए कि हमको खुद से जब घर से निकले तो हेलमेट लगाए, इसके लिए लगातार ये जागरूकता अभियान है, साथ साथ इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी है, हम लोग दोनों हमारा पैदल चलेगा, इसमें हम लोगों को बताएंगे भी, इसके महत्व को भी बताएंगे, इसके सीट बेल्ट के महत्व, हेलमेट के महत्व को, तो लोग निश्चित रूप से इसको जागरूक भी होंगे, लोग पालन भी करेंगे और जो दुर्घटनाएं लगातार होती हैं बिना लापरवाही के, उसमें हम लोग कमी ला सकते हैं।
सर आमतौर पर अभी लगातार देखा जा रहा है कि सर जो स्कूली बच्चे हैं सर जो नाबालिग भी हैं सर वो फनाटे से गाड़ी चलाते हैं, पहिया वाहन से स्कूलों से आना जाना करते हैं, तो सर स्कूल संचालकों को या बच्चों को किस तरह की सर समझाई दी जाए? इसके लिए हम लोग अभी उसके लिए प्लान किए हैं, जब स्कूल छूटता है, स्कूल लगता है और जो बच्चे नाबालिग बच्चे स्कूल लेके आते में आते हैं उनके स्कूल के प्रबंधक को भी बताया जा रहा है कि ऐसे वाहन जो बच्चे लेके आते हैं नाबालिग हैं उनको मना करें, उनको वाहन को स्कूल में ना लाने दें, बिना लाइसेंस के वाहन ना चलाने दें, क्योंकि दुर्घटना का कारण ये भी है कि नाबालिग बच्चे वाहन चलाते हैं, खतरनाक ढंग से वाहन चलाते हैं, लापरवाही पूर्वक चलाते हैं। तो इसके लिए पालक को भी जागरूक होना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों को जब तक उनकी उम्र 18 वर्ष नहीं हो जाती है, लाइसेंस नहीं बन जाता उनको वाहन उपलब्ध न कराएं। तो ये यातायात पुलिस, स्कूल प्रबंधन और पालक ये तीनों मिलकर यदि जागरूक होंगे, उनको कार्रवाई करेंगे भी और उनको उनका वाहन उपलब्ध नहीं कराएंगे तो ऐसे जो नाबालिग होती है दुर्घटना उसको भी कम कर सकते हैं। सर अंतिम सवाल ये है कि शासकीय कार्यालयों में सर जो दुर्भाग्य से कर्मचारी आना जाना करते हैं उनमें से भी अधिकांश लोगों द्वारा सर ना तो हेलमेट लगाया जाता है सर सीट बेल्ट का पालन किया जाता है। इसके लिए भी कल जो मीटिंग हुआ था उसमें सख्त निर्देशित किया गया है कलेक्टर सर के द्वारा भी, यदि कलेक्ट्रेट का स्टाफ है, चाहे पुलिस का स्टाफ है, चाहे हॉस्पिटल का है, तो सर हमको अपने जो अधिकारियों को अपने जवानों को भी बताना पड़ेगा कि हम पहले अपनी शुरुआत अपने यहाँ से करें। तो हम हमारे इसके लिए भी कल जो मीटिंग हुआ था उसमें सख्त निर्देशित किया गया है कलेक्टर सर के द्वारा भी, यदि कलेक्ट्रेट का स्टाफ है, चाहे पुलिस का स्टाफ है, चाहे हॉस्पिटल का है, तो सर हमको अपने जो अधिकारियों को अपने जवानों को भी बताना पड़ेगा कि हम पहले अपनी शुरुआत अपने यहाँ से करें। तो हम हमारे यहाँ ट्रैफिक के सभी जवान जो लगातार हेलमेट पहनते हैं और जो नहीं पहन रहे हैं उसको भी बताएं इससे महत्व क्या है, और जो दूसरे विभाग हैं चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे कलेक्ट्रेट का हो, तो ऐसे में जगहों में भी हम लोग जाके उनको महत्व भी बताएंगे और सभी को निर्देशित भी किया जा रहा है जिलाधीश महोदय द्वारा कि वो उनके जो स्टाफ हैं कर्मचारी आते हैं वो हेलमेट जरूर लगाएं, यदि चार पहिए में आ रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। सर अब फोर्थ लेन में सर चूंकि निर्माण कार्य जारी है इसकी वजह से सर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई सर, लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, हमेशा हर वक्त सर दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है, तो उस दुर्घटनाओं को रोकते हैं इस वक्त सर किस तरह पहल की जाए? इसके लिए भी जो अभी जो हाईवेज है जो 40 किलोमीटर का हाईवे है और इसमें दोनों तरफ शहर बसा हुआ है और जो चौक चौराहे हैं वहाँ पे भी लगातार एक्सीडेंट होते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने अभी जैसे खुर्सी पार चौक है वहाँ पे सिग्नल नहीं था, वहाँ पे अभी सिग्नल का लगा दिया गया है, और इसके अलावा जो डबरा पारा है, जनता स्कूल है और ज्योति कटिंग है, ये तीन जगह हैं जो दुर्घटना जन क्षेत्र थे वहाँ भी अभी ब्लिंकर लगा दिए हैं, अभी बल की तैनाती भी की गई है, जो स्कूल लगता है, स्कूल छूटता है जब भी कवर रहता है, तो हमारा बल जो निर्धारण हमारे पास जो सीमित बल है उसको हम लोग लगाए हैं। इसके अलावा जो हाईवे पेट्रोलिंग है उनको भी बीट क्षेत्र बांट दिए हैं कि इन बीट क्षेत्रों में रहे वहाँ लगातार पेट्रोलिंग करें, कोई घायल होता है, एक्सीडेंट होता है तो उसको समय पर इलाज पहुँचाए, तो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरे, और जो संबंधित एजेंसी है उनको भी बताएंगे कि उनके द्वारा क्या क्या जरूरी चीज़ है, यदि गड्ढे हैं तो गड्ढों को भरे, स्टॉप लाइन, जेब्रा क्रॉसिंग हो गया, ब्लिंकर हो गया, और जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसका पालन करें, तो निश्चित रूप से जो लोग भी यदि जागरूक होंगे, हेलमेट पहनेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, तो जो हाईवेज में भी एक्सीडेंट होता है उसमें भी कमी आएगी। नियमों का उल्लंघन कर वाहनों का परिचालन करते लोगों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा अब सख्त कार्रवाई की जा रही है, कल से अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए आज ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर द्वारा यहाँ पे एक बैठक ली गई नेहरू नगर ट्रैफिक कार्यालय में, इसमें तमाम जो निरीक्षक स्तर के अधिकारी हैं, सहायक निरीक्षक, उप निरीक्षक, सभी यहाँ पे तैनात हैं, जिन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये अभियान को शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी चलाया जाएगा। हमारी भी आम जनता से अपील है जो हमारे इस न्यूज़ को देख रहे हैं कि दुर्घटना से देर भली वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए यातायात के नियमों का पालन करें, स्वयं भी सुरक्षित रहकर दूसरों को भी सुरक्षित रखें। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।